व्यापारियों के मौत का सौदागर नहीं बनने दिया जाएगा। हमने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर पिछले एक हफ्ते पहले भी धरना दिया था। हमारे प्रेस के साथियों ने हमारा साथ देकर 48 अखबारों न्यूज चैनल में बात चली, लेकिन सरकार की कुंभकर्ण टीम नहीं जागी। हमारे पास कुछ फोटो भेजी गई कि देखिए हमने सफाई कर दी, लेकिन आज हमने प्रेस के साथियों को फिर बुलाया। यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पर पशु आवारा पशु घूम रहे हैं, जो कि हमारे व्यापारियों का, हमारे ग्राहकों का, कभी पत्ती तोड़ देते हैं, कभी दांत तोड़ देते हैं। आखिर ये हमारा व्यापारी और हमारा ग्राहक किसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराए? क्या दिल्ली पुलिस के खिलाफ कराए, या एमसीडी के खिलाफ कराए, एलजी साहब के खिलाफ कराए, या एमएलए साहब के खिलाफ कराए? जवाब दे। हमारी फेडरेशन जवाब मांगेगी, निश्चित तौर से मांगेगी। अगर सरकार नहीं जागी तो हम मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद करेंगे और अपने व्यापारियों के मौत के सौदागरों को जेल के पीछे जरूर भेजेंगे। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है ये टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है अभी।
अभी जो अगर हमारी मांगे एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं हम, एक हफ्ते के अंदर जो अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो यहाँ पर निश्चित काल के लिए बंद कर देंगे हम ये बाजार पूरा जो है। हमने फिर उस चीज की परवाह नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने हालात खराब कर दिए, कभी भी किसी दुकानदार को जो है बड़ी बीमारी घेर लेगी यहाँ पर जो है। तो हमें साफ सफाई चाहिए, वही सफाई कराए हम, कमाई करो तुम, तो ये काम यहाँ पर नहीं चलेगा। अब भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपका हमेशा के लिए जो दिक्कत दूर होंगी, आज आपको साथ देना पड़ेगा, आवाज अपनी सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। आपको ये लेना पड़ेगा कि ये जो एमसीडी और जो यहाँ पर दिल्ली जनपद आज दिन जिस प्रकार का गंद फेंकती है, यहाँ पर आज दिन जाम लगा रहता है, यहाँ पर हमारा पशु रहते हैं, हमारे कई ठेले वाले भाई घायल हो जाते हैं, उनको चोटें लगती है, कई कई घंटे तक जाम रात को लगे रहते हैं। इसलिए अपनी आवाज जोर से उठाइए, यही की फोटो देखिए, ये हाल हो जाता है यहाँ पर बारिश में। क्या आप लोगों की जिंदगी नहीं है? आप लोग बीमार हो जाओगे, कौन पूछने वाला आप लोगों को? यहाँ कौन दवा दारू करने वाला? कोई नहीं है। ये सरकारें कुछ नहीं करेंगी आपके लिए, आपको अपनी आवाज आप ही उठानी पड़ेगी। इसलिए अपनी आवाज बुलंद करो, एमसीडी मल कुमार, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चक्का जाम करके, वजह क्या है? हम मजबूर होके चक्का जाम और प्रोटेस्ट कर रहे हैं एमसीडी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ। अभी एक हफ्ता पहले भी, लगभग एक हफ्ता पहले भी हमने इस चीज़ में चक्का जाम किया था कि सदर बाजार में जो कूड़े का ढेर लगाया है, सदर बाजार को लैंडफिल साइट और बीमारी का घर बनाया हुआ है। तो एक हफ्ता पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, तो हमको अश्योरेंसेस दी गई थी कि सफाई हो जाएगी, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन डाक के तीन पात हैं। आप देखिए, पीछे मुड़ के देखिए, खड़े नहीं हो सकते, बदबू के मारे तबीयत खराब हो रही है। दिल्ली के बड़े बड़े जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, मेयर हो गई या पार्षद हो गए, जिनकी ये जिम्मेदारी है इस चीज़ पे नियंत्रण रखना, सफाई पे, वो तो अपने एसी दफ्तरों में बैठे हुए हैं। तो मैं, शैली ओबराय जी जो हमारी माननीय महापौर हैं दिल्ली की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पूरे स्टाफ के साथ इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे अपना टेबल कुर्सी लगा के अपना दफ्तर लगाइए। दो घंटे में अगर आपकी सिट्टी बिट्टी घूमना हो जाए तो हमारा नाम नहीं, तब आपको पता लगेगा कि सदर बाजार का व्यापारी किस नरक में से रोज गुजरता है। आपके लिए दो घंटे तो क्या, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं सफाई हो, नहीं तो हमारा काम कोई नहीं। अगर सर आपकी मांगे नहीं मानी गई, नहीं मांगी मानी गई तो काम नाम छोड़ के हम फिर रोज यही, हमारा काम तो नहीं है बट यही करना पड़ेगा। चक्का जाम करेंगे, सिविक सेंटर जाके मेयर साहिबा का और इन सब का घेराव करेंगे और अपनी आवाज जहाँ तक और जोर शोर से ऊपर तक पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी वजह है, आपने जिस प्रकार देखा कितना कूड़ा है यहाँ पर, कितना यहाँ पर आवारा पशु है, मगर कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। जरा सी बारिश आती है, हमारी दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, जिससे शोर शोर करता है, आए दिन आग का आग से नुकसान होता है। हमें ये आज ये हमारी हद पार हो चुकी है। हमने 4 दिन पहले भी प्रदर्शन किया, मगर उनको कोई सुनाई नहीं हुई। जो एमसीडी जो मेयर दावे ठोकती है कि भाई अब दिल्ली में सब कुछ ठीक होगा, मैं अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, बताए क्या किया सदर बाजार में, किस प्रकार के सदर बाजार में हालात बना दिए हैं? आज सदर बाजार का व्यापारी को ये हालात आ गए कि उसको अपनी दुकानें छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ गया है। क्या व्यापारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? व्यापारी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? ये हम नहीं होने देंगे। ये जिस प्रकार व्यापारी को मारने की साजिश है, मजदूरों को मारने की साजिश है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। घंटों घंटों हमारे मजदूर यहाँ पर कूड़े के कारण, जाम के कारण, आवारा पशुओं के कारण
ई रिक्शा के कारण जाम में फंसे रहता है, फंसे रहते को नहीं रहता है। तो ये सुनिए, तो आज ये हालात हो गए, हमें यहाँ पर उतर कर इसका विरोध करना पड़ रहा है, जिसमें आने वाले समय में इससे हमें सहता हो और सरकार की आँख खुले। के ढेर इतने होते हैं, परेशान आ जाते हैं, सुबह सुबह पटरियाँ लगती हैं राखी की, इतनी भीड़ होती है भाई साहब, इतना गंद मचा होता है क्या बताएं। बारिश जरा सी, एक घंटे भी बारिश नहीं होती ना, 15-20 मिनट बारिश में पानी अंदर के भर जाता है पूरा, एकदम पानी पानी, समझ लो समझ लो उसमें लगा नदियों के अंदर बैठ गए हमारा, इतना बुरा हाल होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। शिकायत करी कुछ? शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं, किसकी किसको शिकायत करें बताओ। देखिए हमारा व्यापारी बड़ा दुखी परेशान है, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हमारे ग्राहकों की सम्मान का सवाल है। हमने 8 दिन पहले भी धरना दिया था, सरकार को चेताया था, प्रेस के 47-48 लोगों ने पेपर से न्यूज़पेपर चैनल ने हमारी खबर को छापा, लेकिन सरकार नहीं जागी। कुछ एरियो की फ़ोटो भेजी, देखिए जी हम रात को सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर, हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हमने आपको दिखाया सड़क पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। मैं कह सकता हूँ सदर बाजार अब एक मार्केट नहीं रही, सदर बाजार लैंडफिल है, कूड़े का ढेर है, कूड़े करकट का स्थान है, जहाँ पर आवारा पशु घूमते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग नहीं नहीं आते, कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, व्यापारियों की जेब कट रही है, महिलाओं के साथ इब्तिजिंग हो रही है। एक समस्या हो तो मैं बात करूं आपसे, सभी समस्याएं, यहाँ पर सफाई हो तो ट्रैफिक खुलेगा, यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है तो महिलाओं के साथ इब्तिजिंग हो जाती है, शर्म से हमारा सिर झुक जाता है, कहाँ कहाँ जाएँ। हमने आपको कूड़ा दिखाया, अगर सरकार नहीं जागी, अगर हमारे MLA नहीं जागे, अगर हमारे मुख्यमंत्री नहीं जागे, तो हम अपने सदर बाजार को पूरी तरह बंद करेंगे, और बंद करने के बाद LG साहब को कहेंगे कि हम सरकार को, अपने प्रतिनिधियों को किसी भी तरीके से व्यापारियों के मौत का सौदागर नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर मौत के सौदागर हो गए देश का आर्थिक तंत्र टूट जाएगा। कौन जवाब देगा? मुख्यमंत्री जवाब देंगे, या सांसद जवाब देंगे, या MLA जवाब देंगे, या काउंसलर जवाब देंगे? ये जवाब यहाँ की जनता पूछ रही है, व्यापारी पूछ रही है, फेडरेशन सदर बाजार पूछ रही है।